शंकराचार्य जी का अनुग्रह भाषणम सुनेंगे। सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप बृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षांदेहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्ति आरोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यंतं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। आज अच्छा पर्वकाल है। इस पर्वकाल में काशी में सबको विश्वनाथ जी अनुग्रह देते हैं। इस पवित्र धरती पर नेत्रोत्सव का ये मूक पंचशती में कहा है, नेत्रोत्सव ऐसे शब्द, ऐसे नेत्र का उत्सव, देखने को भी उत्सव है, आँखों का चिकित्सा का भी करने का ये सेवा का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। छोटा सा ये शुरुआत कोयम्बतूर में अपने महाराज जी के आशीर्वाद से रमणी जी डॉक्टर और उनका पत्नी राधा रमणी जी ने जो शुरू किया, अभी 16 अस्पताल एक राज्य का एक अस्पताल जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है। लाखों का उसके उससे लाभान्वित हो रहे हैं लाखों लोग। अभी 17वां ये शुरुआत है, ये एक सत्र है। जैसे एक बार मोदी जी ने कोयम्बतूर में कहा रमणी जी को, नेत्र यज्ञ ऐसे शब्द अपने मोदी जी ने कहा था, वैसे बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। ये यूपी के लिए 2 अस्पताल, एक कानपुर में एक अभी काशी में वाराणसी में, इधर बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। अपने देश में बहुत प्रगति हो रहा है और उन्नति हो रहा है, विकास हो रहा है। उसके मुख्य कारण है अच्छे नेता हमको हमारा देश को मिले हैं, क्योंकि समाज में व्यक्ति भी मुख्य है, व्यक्तित्व भी मुख्य है, सबको जोड़ने का नेता भी चाहिए, सबके जोड़ने वाला नेता भी चाहिए। उसमें हमारे शास्त्रों में कहा है, एक बार देवासुर युद्ध हुआ, सब देवताओं को जय प्राप्ति के लिए एक बाकी रह गया था विषय, उसमें सब लोगों ने बैठक किया, चर्चा किया, उसके बाद एक हमको राजा चाहिए, इधर तो इधर के भी राजा है, ठीक है। इसमें ते सोमम राजान मकुर्वन ते सोमेन राज्ञा सर्वादिशो जयति। उसके बाद सोम को राजा किया, उसके बाद सभी दिशा में जय प्राप्ति हुआ। इसलिए हमारा जो बहुत बड़ा प्रजातंत्र है, विश्व में बहुत बड़ा जो प्रजातंत्र है, वेदों में कहा है, महते क्षत्राय महत आधिपत्याय महते जानराज्यायेत्याह। वैसे जो जानराज्य जो है, गणतंत्र जो भी है, हमने जो अल्टरनेटिव सिस्टम के रूप में जो हमने प्रजातंत्र को चयन किया, नया भारत को, स्वतंत्र भारत को निर्माण के करते समय, उसमें ये बहुत उदार विषय है, बहुत कठिन विषय भी है, अच्छा भी विषय है, कठिन भी विषय है। उसमें अच्छे नेता भी संख्या के अंदर
अच्छे नेता मिलना भी ईश्वर कृपा से मिलना है, ऐसे ईश्वर का कृपा नरेंद्र दामोदर दास जी के प्रति ईश्वर का कृपा कारण और संतों का आशीर्वाद के कारण इनका जो सरकार है एनडीए नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन जो भी सरकार है वह प्रजा का सुरक्षा के लिए सुविद्या के लिए सुभिक्षा के लिए काम कर रहा है। ये विश्व में आदर्श सरकार के रूप में चैतन्य के साथ जानकारी और जागृति के साथ जानवर सहित सबका कल्याण के लिए ये सरकार के तरफ से बहुत सुंदर काम हो रहा है। सभी राज्यों का भी उदार चित्तवृत्ति के साथ तमिलनाडु सहित सभी राज्यों का उदार अनुदान वगैरह सब दे रहे हैं, बहुत सुंदर काम हो रहा है वहाँ। इसलिए जनता का कल्याण के लिए 140 करोड़ जनसंख्या के ये देश में सबके प्रति श्रद्धा प्रेम स्नेह दया उसके साथ प्रेम भाव के साथ उनका अन्नपूर्णा देवी इधर है। विगत वो महामारी के संदर्भ में भी सबको अन्न खिलाया मोदी जी ने, सब रेशन के द्वारा सबको जो भी है शुभेच्छा जो भी, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति का जो दिक्कत है वो जानते हैं, इसलिए उनका जो अनुभव है अनुभव से उनका जो ज्ञान है वो लोगों को जो कष्ट है वो दूर करने के लिए उपयोग हो रहा है। इसलिए जो उनका जो भी एक्सपीरियंस है उनका जो भी मेहनत है उनका जो भी कल्पना है पहले से जो कल्पना है अभी वो साकार हो रहा है प्रजा का कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा। इसमें हमारा देश में जितना भौतिक विकास जरूरी है उतने से कमी नहीं है, धर्म और संस्कृति का विकास भी अपना भारत का व्यक्तित्व के लिए भारत का विशिष्टता के लिए धर्म और संस्कृति का काम भी अपना देश का उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। इसलिए ऐसे जो बहुमुखी प्रतिभा जो भी है प्रतिभा है प्रज्ञा है धारणा है ऐसे ही उनके जो विशेष करके इधर यूपी में उनके साथी जो है वो भी कटिबद्ध करके शांति के लिए शांति सहित यूपी के लिए अपने योगी जी काम कर रहे हैं, वैसे ही अपना देश का उज्ज्वल भविष्य होने से विश्व में शांति स्थापित होगी। भारत का जो भी उन्नति है वो विश्व का उन्नति होगा, इसलिए विश्वगुरु होने के लिए वहाँ भी भारत का अपना स्थान वहाँ मिलने के लिए विश्व सभा में मिलने के लिए सब लोग प्रार्थना करना। अपने देश में धर्म और संस्कृति का भी विकास होना कांची कामकोटी पीठम के द्वारा विद्या वैद्य वेद ये तीनों के लिए विशेष करके काम होता है। विद्या के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह चलाते हैं और वैद्य के लिए वैसे शंकरा अय्या अस्पताल छोटा से शुरू करके अभी हर राज्य में उसका विस्तार हो रहा है। बहुत सुंदर गरीबी को सबको वहाँ अच्छे दोनों को समान प्रकार से चिकित्सा करते हैं, सबका भलाई होता है, ऐसा सुंदर काम हो रहा है वैद्य के क्षेत्र में। और वेदों के वेदोखिलो धर्ममूलम वेदाः सर्वहितार्थाय उसके लिए अपने परमाचार्य जी और गुरु जी के द्वारा वेदों का संरक्षण जो अथर्ववेद गुजरात में था उसको पढ़ाने के लिए परमाचार्य जी ने दो व्यक्तियों को बड़ौदा भेजा, उन्होंने भेजा तो 50-60 वर्ष पहले वहाँ एक पंचोली करके एक थे पंडित, वो खेती कुछ वगैरह ऐसे कुछ व्यापार करते थे वेद पढ़ते थे पढ़ाते थे। उनके पास जो अथर्ववेद परंपरा थी एकमात्र परिवार में गुजरात में वहाँ शिष्यों को भेजा, वहाँ से अथर्ववेद का अध्ययन दोबारा शुरू हुआ। आज 200 से अधिक अथर्ववेद के विद्वान उपलब्ध है उसका जो भी है गुजरात के से ये जो बीजावाप है ये उसका वटवृक्ष
ये ऐसे हो रहा है, इसलिए अपना जो संस्कृति है, सनातन धर्म जो है वो वैज्ञानिक है। सनातन धर्म एक विज्ञान है, सनातन धर्म एक विश्वास है, सनातन धर्म एक विकास है। इसलिए विकास भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, विद्या भी चाहिए हमको। विज्ञान तो जरूरी है, विज्ञानम यज्ञं तनुते। इसलिए बहुत सुंदर काम हो रहा है मोदी जी के द्वारा। पहले सोमनाथ से उनका कार्यक्रम शुरू हुआ, सोमनाथ से वहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में बहुत काम वहाँ उनका हुआ। उसके बाद केदारनाथ में ये शंकराचार्य जी ने कहा, कहाँ दान देना है, अन्नदान कहाँ देना है, भंडारा कहाँ करना है, जिसको भूख है, जिसको सुख में जो है उसको दान देना चाहिए। पात्रम की मन्नदाने क्षुधितम, ऐसे शंकराचार्य जी ने कहा। इसलिए इधर करना तो है, केदारनाथ में जहाँ जो ठंडी है, वहाँ तो सीमा प्रदेश है, वहाँ तो मना के पास है, तो इसलिए वहाँ मन करके, मना तो वहाँ के गांव है, वहाँ केदारनाथ के पास, वहाँ इन्होंने मन करके, किसी को मना नहीं किया, सबको सुविधा करने के लिए वहाँ घर बनाया, सब सुविधा दिया केदारनाथ में। इतना ही नहीं, हमने कहा था वो जब चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री, तब भी वहाँ डॉक्टरों को लेकर के वहाँ स्वयं पहुँच गए। वहाँ जब थोड़ा प्रकृति का व्याकोप था, वहाँ ये स्वयं आ गए। ऐसे ही देशभक्ति के साथ, अपने गुरुजी ने कहा एक बार, देशभक्ति दैवभक्ति दोनों चाहिए, कभी कभी दैवभक्ति के से भी ज़्यादा देशभक्ति चाहिए, मतलब दोनों हमको चाहिए। उसमें इस देशभक्ति के साथ ये जो काम है केदारनाथ में, बहुत भव्य कार्यक्रम उनके द्वारा संपन्न हुआ। इसलिए जहाँ जरूरत ज़्यादा है वहाँ पहले हमारा काम होना चाहिए, वहाँ ऐसे हुआ। उसके बाद काशी विश्वनाथ जी का, जब महात्मा गांधी जी काशी आए थे तब कहा, इधर कौन ये सब करने वाला। वैसे महात्मा गांधी जी BHU भी आए थे, विश्वनाथ मंदिर भी आए थे, तब ये सब वहाँ का तबका पर्यावरण देख करके, स्वच्छता अभियान अभी जो मोदी जी कर रहे हैं स्वच्छ भारत का, उसके बारे में गांधी जी ने तब बताया। उसका जो भी है, सब लोगों का जो भी कल्पना है, प्रेरणा है, जो भी उद्देश्य है, उसको सार्थक बनाने के लिए, साकार बनाने के लिए इनके द्वारा भगवान बहुत कुछ कर रहे हैं। इधर विश्वनाथ जी का बहुत जो कॉरिडोर, हमने भी विगत वर्ष में चातुर्मास का अनुष्ठान इधर हुआ, योगी जी उसमें आए थे, उसमें बहुत सुंदर कार्यक्रम, 3 महीने का कार्यक्रम हुआ, गंगा के तट पर बहुत अनुष्ठान वगैरह हुआ। तब विश्वनाथ जी का जो मंदिर का परिसर है वो अद्भुत है, आनंद है, सानंदम आनंदवने वसंतम, ऐसे शंकराचार्य जी ने कहा, उसके अनुरूप आनंदवन बनाया उसको, विश्वनाथ जी मंदिर को, परिसर को मोदी जी ने बनाया। इतना ही नहीं, महाकालेश्वर, वहाँ क्षिप्रा नदी है, सिंहस्थ वगैरह होता है, वहाँ अद्भुत विस्तार, विशाल मंडपों का निर्माण किया, भव्य कर दिया वहाँ, भव्य और दिव्य दोनों भारत के लिए जरूरी है। व्यापार के लिए, बाकी लौकिक सुविधा के लिए भव्य होना चाहिए, शांति और समृद्धि के लिए दिव्य भी होना चाहिए वहाँ। वैसे महाकालेश्वर का मंडपों का बहुत प्रथम चरण ही इतना बड़ा है, वो तो और भी वहाँ बहुत काम होने का है, वहाँ भी हमको एक बार जाकर के दर्शन करना है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण काम देश में हो रहा है, इसलिए जो प्रजातंत्र के द्वारा ऐसे सकारात्मक विचार के द्वारा, लोगों का सकारात्मक विचार के द्वारा एक अच्छे नेता का चयन करके, उनके द्वारा सबका भलाई के लिए, कन्याकुमारी से लेकर के सभी कश्मीर तक, कश्मीर में भी अभी चुनाव बहुत सुंदर प्रकार से वहाँ चुनाव भी हुआ है, शंकराचार्य हिल है वहाँ, वहाँ भी हम दर्शन करने के लिए गए। तब से मोदी जी का
परिचय है, 97 से उनका परिचय है। ऐसे अपने देश में अच्छा उन्नति के होने के लिए, विशेष करके उत्तर प्रदेश का भी सुसमृद्ध उत्तर प्रदेश होने के लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए हमारा देश में ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग में अभी हुआ है, और भी काम हो सकता है। वैसे ज्योतिर्लिंग का विकास के लिए इतना ही नहीं, अंबाजी में उन्होंने सोन का शिखर बनाया, वहाँ अंबाजी में अपना भी एक एकावान शक्तिपीठ मंदिर है। वहाँ हमारा परिचय, हमने अपने गुरु जी के साथ परिचय भी उनको बताया, गुजरात से ही हमारा परिचय गुरु जी के साथ, सरस्वती महाराज जी के साथ परिचय वहाँ ऊंझा सिद्धपुर महेशाना डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ, वो महेशाना डिस्ट्रिक्ट से ही मोदी जी भी है। इसलिए अच्छा कार्यक्रम हो करके अपना देश का उन्नति होना, 140 कोटि जनता का भी अच्छा आरोग्य सुख संपदा के लिए विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे। वैसे ही जो भी अपना संतों के द्वारा जो भी त्याग परंपरा है, अनेक प्रधानमंत्री लोगों ने कोशिश करके जो मेहनत किया अपने अटल जी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी, अपने गुरु जी ने जो शांति संवाद वगैरह किया, जो 500 वर्ष का जो भी प्रयास है, प्रयत्न है, उसको विशेष प्रयत्न करके न्यायस्थान के द्वारा देवस्थानम का निर्माण के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये राम जी का बालराम विग्रह प्रतिष्ठा का, मतलब दशरथ राजा के सुपुत्र है राम जी, वहाँ जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ कामाक्षी का कृपा से, शंकराचार्य जी का जो श्री चक्र यंत्र स्थापना है, जिस शंकराचार्य परंपरा से परमाचार्य जी अपने महाराज जी आ रहे हैं, वहाँ संतान प्राप्ति के लिए दशरथ राजा ने तपस्या किया कामाक्षी का अनुग्रह से, चत्वारस्ते जनिष्यन्ति मदम साह तनयान रूपा कामाक्षीति त्रयो वर्णाः सर्वमंगल हेतवः। इसलिए कामाक्षी का कृपा से अक्षी का जो काम है, नेत्र का नयन का जो काम है, ये सब हो रहा है। इसलिए इनके द्वारा भी दशरथ मतलब 10 दिशा और नीचे और ऊपर मंगलायन चंद्रायन, ऐसे 10 दिशा में भी काम हो रहा है। ऐसे उनके द्वारा राम मंदिर का शुरुआत हुआ, दशरथ राजा के द्वारा राम जी का ये हुआ। इनके द्वारा दशरथ 10 दिशा में भी काम करने वाले, मोशन टेक्नोलॉजी भी करते हैं वो, चंद्रायन मंगलायन भी करते हैं, सभी में अपने सभी देशों के साथ मित्रता के साथ सबका वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। ऐसे अपना देश में ट्रेड भी हो, ट्रेडिशन भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, ऐसे त्रिवेणी के वजह से, इधर त्रिवेणी है वहाँ महाकुंभ आप करने जा रहे हैं 2025 में, वहाँ विगत कुछ साल पहले जो आप लोगों ने कुंभ किया, बहुत सुंदर प्रकार से स्वच्छता के साथ, बिना संघर्ष, शांतिपूर्वक, सभी सुविधा के साथ आप लोगों ने कुंभ का आयोजन किया, वही हमने उनको बताया योगी जी को। वैसे जो भी है वहाँ काशी में भी प्रवासी का ये भी भारत का आयोजन किया, प्रवासी भारत टू निवासी भारत ये भी होना चाहिए। इसलिए महाकुंभ के संदर्भ में सबका, भक्तों का भी, विश्वनाथ जी का कृपा से, वैसे सबका पुण्य प्राप्ति, ऐसे सबका धन संपदा प्राप्ति है, रोजगारी है, वैसे पुण्य प्राप्ति भी सबको हो करके अपने देश का समग्र विकास, सर्वांगीण सर्व प्रकार का विकास के लिए प्रयत्न भी करना, प्रार्थना भी करना, मंदिरों के द्वारा प्रार्थना करना, मेहनत के द्वारा सब लोग प्रयत्न भी करना। इसलिए हम भगवान से सबके लिए
प्रार्थना करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की रक्षा हो। हर हर नमः पार्वती पतये हर महादेव। हर हर शंकर, जय जय शंकर। अब हम माननीय प्रधानमंत्री